हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत दिनों बाद आज फिर आपके साथ हाजिर हूँ। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। अभी सबसे पहले मैं बात करता हूँ, देखिए बात काफ़ी सारी कर चुके हैं हम, दोबारा से वही करेंगे क्योंकि बहुत दिनों बाद आपसे परिचय हो रहा है। तो मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले आप अपना एक गोल बनाइए, बार बार बताता हूँ, एक गोल बनाइए, गोल सेट कीजिए कि आपको किस एग्जाम को देखना है। कोई भी वाइदर LP हो, ग्रुप डी हो, NTPC हो, कोई भी एग्जाम हो, उसका एक टारगेट सेट कीजिए। और देखिए एक साथ अभी एक एग्जाम की तैयारी करना, ये भी थोड़ा बेवकूफ़ी बना रहेगा क्योंकि हम किसी एक एग्जाम पर डिपेंड भी नहीं रह सकते इतने कंपटीशन के दौर में। तो रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिलेबस लगभग समान रहता है, टेक्निकल सब्जेक्ट ALB में जुड़ जाता है, किसी ग्रुप डी में नहीं होता है, वह सब रहता है उसको। अब आपको क्या करना है, सिलेबस को जरूर देखना है। सिलेबस देखना जरूरी इसलिए क्योंकि आपको पता रहे कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। सिलेबस आपको जरूर पता रहना चाहिए, बहुत सारे एग्जाम का सिलेबस अलग भी रहता है। सिलेबस कहीं भी हो, सबसे पहले जो भी फेस होता है तैयारी का, सिलेबस का पता रहना चाहिए। आपको पता रहना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं छोड़ने वाली होती हैं पढ़ने से ज़्यादा। हमको सब कुछ नहीं पढ़ना है, इसलिए आपको डिटेल सिलेबस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। वह कहाँ से मिलेगा, ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जिसका है, और आप कहीं से भी देखिए, मतलब आपको डिटेल सिलेबस पढ़ना है, सिलेबस उसका जरूर इकट्ठा कीजिए। अब सिलेबस आप लिख चुके होंगे, उसके बाद में आपको आ जाना है उसका स्टडी मटेरियल जुटाना है। अब स्टडी मटेरियल जुटाने के लिए बुक्स आपको देखनी है, बेस्ट बुक क्या हो सकती है, किसी से सजेस्ट लेनी है जो भी उसको कर चुका हो या जो अच्छा पढ़ रहा हो उससे आपको पूछना है। अपनी मर्जी से मार्केट में जाके बुक, शुरुआत में नई नई तैयारी करते समय यही होता है, जो बुक वाला जो देता है वह ले लेते हैं। बेस्ट बुक आपके लिए कौन सी होंगी यह आपको अपने आप से सर्च करना पड़ेगा या किसी अपने सीनियर से पूछिए। और आजकल तो YouTube पे आपको बहुत आसानी से सब कुछ मिल जाता है, और अगर आप भी चाहते हैं कि कौन सा बुक लेना है तो ऊपर जाके आप देख सकते हैं, वीडियो लिंक में आपको दे दूंगा, जो मैंने बताया हुआ है बुक्स का सारा वह भी आप ले सकते हैं। तो आपको यह सबसे पहले, तीसरा काम हमें क्या करना है, स्टडी मटेरियल को जुटाना है। अब हमने स्टडी मटेरियल जुटा लिया है, सिलेबस पता चल गया है हमें, और हमें अपना टारगेट भी पता है। अब उसके बाद में हमको क्या है, तैयारी शुरू करना है। अब तैयारी के लिए आपको उसकी टीचर्स, बेस्ट फैकल्टी आपके लिए कौन हो सकते हैं, देखिए मैथ के बहुत सारे टीचर हैं, ए टीचर, बी टीचर, सी, आपको देखना है आप किससे अच्छा समझ पा रहे हैं। समझाने का तरीका सबका अलग अलग होता है, पढ़ाते सब सेम है, समझाने का तरीका अलग ढंग से पढ़ाते हैं, आप किसको कैच कर रहे हैं आपको देखना है। उसके बाद में जिसका भी आपको अच्छा लगता है, या पेड बैच आप लेते हैं, यूट्यूब से पढ़ते हैं, या ऑफलाइन कोचिंग जाते हैं, जहाँ से भी पढ़ते हैं पढ़िए। और उसके बाद में आपको बेस्ट टीचर जो आपके लिए हो सकते हैं वह ढूंढने हैं। वह ढूंढने में मैंने भी बहुत सारी आपकी मदद की है, वीडियो चैनल में जाएंगे आप देख सकते हैं। उसके बाद में क्या है दोस्तों, अब हमारे पास टीचर भी है, अब जो क्लास में जो पढ़ाते हैं सब कुछ नोट डाउन करना है। बहुत सारी चीज़ें छूटती भी हैं, बहुत सारी लिखते भी हैं, आपको हर चीज़ नोट डाउन करनी है। खासकर मैथ या रीजनिंग का कुछ ही पढ़ते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट सॉल्व करके सॉल्व हुआ छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन चाहे आप पे सॉल्व हो रहा है उसको अपनी रफ या नोटबुक या फेयर में लिख लेना है, क्योंकि अभी तो आपको याद रहेगा फ्रेश है, लेकिन 2 महीने 3 महीने बाद वापस देखेंगे तो शायद हो सकता है कुछ चीज़ें आप भूल गए हों, तो आपको दोबारा से पढ़ने की बजाय दोबारा अपना नोट्स उठाएंगे, देखेंगे, दोबारा क्लियर हो जाएगा। तो आपको पूरा लेक्चर देखने की जरूरत नहीं रहती है इसमें, यह आपको करना है। गलती मैं किया था, नोट्स नहीं बनाया था, प्रॉब्लम हुई थी, आप इस गलती से बचिए। डेली टारगेट सेट करना है। अब हमको डेली टारगेट सेट कैसे करेंगे, आपको देखना है कि आपको आज करना क्या है, कंटिन्यूटी बना के रखना है और डेली टारगेट सेट करके रखना है कि आज आपको यह चीज़ करनी है। आपको 20 साइंस के क्वेश्चंस के पेज पढ़ने हैं, या 100 क्वेश्चंस आपको रीजनिंग के डेली लगाने हैं, या मैथ का ये चैप्टर मुझे आज आधा फिनिश करना है या पूरा फिनिश करना है, मैथ का इतना रिवीजन करना है, करंट अफेयर का इतना क्वेश्चन करना है। डेली टारगेट सेट जरूर कीजिए और उसको अचीव करने में पूरे दिन लग जाइए, ये बेस्ट तरीका होता है। उससे आप अच्छे से आपकी तैयारी कंटिन्यूटी रेगुलरिटी रहेगी, कोई भी चीज़ को आप छोड़ेंगे नहीं। अब क्या करना है, आपको हर सब्जेक्ट को समय देना है, ऐसा नहीं है कि रीजनिंग को आप समय दे ही नहीं रहे, 2 दिन बाद देख रहे हैं, हर चीज़ को डेली समय देना है। आपका जो स्ट्रांग है उसको कम समय दीजिए, जो वीक है उससे भागिए मत, उसको और ज़्यादा समय दीजिए, क्योंकि ज़्यादा समय देंगे तो वह भी आपका स्ट्रांग हो जाएगा। तो आपको हर सब्जेक्ट को
समान समय देना है, अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से देना है। आप पूछते हैं कि मैथ कितना पढ़ें, रीजनिंग कितना पढ़ें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपका मैथ अगर स्ट्रांग है तो आप साइंस पे देखिए, अगर साइंस स्ट्रांग है तो मैथ देखिए। हर स्टूडेंट का यह अलग अलग होता है, किसी का इसको आपको फॉलो नहीं करना है, खुद को देखना है कि आपको क्या आता है, उस हिसाब से इसमें देखना है। किसी से पूछ के अगर आप पढ़ेंगे तो नहीं, आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस जानते हैं तो आप ये इसको अच्छे से देख के पढ़ेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। बहुत सारे डाउट होंगे आपको, सारे डाउट लिख लेने हैं आपको, जो भी रफ या फेयर आप बनाएंगे उसी के पीछे डाउट लिख लीजिए। ऐसा नहीं आज नहीं पूछ पाए लेकिन कल पूछिए, कल नहीं परसों। डाउट को ज़्यादा इकट्ठा भी नहीं करना है, तुरंत क्लियर करके चलना है, कंसेप्ट के द्वारा पढ़ना है आपको। और उसके बाद जीके जीएस आपको ज़्यादा सा बुक से पढ़ना है, क्वेश्चंस लगाने हैं, लेक्चर देखना है, किसी भी सब्जेक्ट को आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, सबको समय देना है। लेकिन आपके एग्जाम में मान लीजिए 10 नंबर का जीएस आ रहा है और 40 नंबर का साइंस आ रहा है तो साइंस को आप बेटर तरीके से पढ़िए। जब अब उसके बाद सिलेबस कंप्लीट आप कर चुके होंगे, पूरा फिनिश कर चुके होंगे, डाउट आपके क्लियर हैं, कुछ रहेंगे भी वो आप करते रहेंगे समय के साथ, प्रैक्टिस करते रहेंगे। अब आ जाना है टेस्ट सीरीज पर। टेस्ट सीरीज इम्पोर्टेंट रोल निभाता है आपके सिलेक्शन में। सबसे पहले टेस्ट लगाने हैं आपको, अच्छे से लगाने हैं, जो नहीं आता है वह पूछना है, उसका एनालिसिस जरूर करना है। टेस्ट लगाने के बाद उसको छोड़ देना नहीं है कि आपके 40 नंबर आए 70 में से तो उसके बाद आप उसे छोड़ दें, ऐसा नहीं करना है। पूरा एनालिसिस करना है, हो सकता है आप तुक्के से कुछ सही कर रहे हों, या हो सकता है कुछ आप गलत किए हों, कुछ आपने इग्नोर कर दिए हों क्वेश्चन। सबको देखना है, क्या वीकनेस है पहचानना है, दोबारा से उसमें लग जाना है। इसी हिसाब से आप तैयारी करेंगे तो आप अच्छा रिजल्ट पाएंगे। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, अगर आप यह फॉलो करते हैं तो आप अपने अंदर अंतर देखेंगे और आप एक कदम आगे चले जाएंगे बाकी भीड़ से। अब आप तैयारी करते समय डिमोटिवेट भी होंगे, यह हर किसी के लाइफ में होता है, फेस आता है बहुत सारा के आप एग्जाम एक पास नहीं कर पाए या बहुत दिन से वैकेंसी नहीं आ रहा है, तो फ्रस्ट्रेट भी होंगे। लेकिन यह सब चीज़ इग्नोर करता है, वही आगे बढ़ता है। आपको भी यह इग्नोर करना है, अच्छे से पढ़ना है, जब भी आए उसको तोड़ डालिए, फोड़ डालिए। इसलिए अच्छे से तैयारी कीजिए और अपनी नीड आपको पता है आपको क्या चाहिए, जॉब नहीं तो आप क्या करेंगे ये सोचिए। इसलिए ये जॉब की इम्पोर्टेंस आपकी लाइफ में क्या है यह आप ही जानते हैं, तो इसलिए आपको इस तरह से तैयारी करनी है। तो आशा करता हूँ आपकी कुछ समझ में आया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही।